गुनाहों की सजाएँ लेकर एक मरतबा फिर हाजिर हैं पिछले सिलसिलों में हमने मुख्तलिफ गुनाहों की तारीफात और उनके दुनियावी नुसान उखरवी अजाबात और रब तबारक व की नाराज़ी क़ुरान और हदीस में वारिद होने वाले अहकाम यानी सज़ाओं के बारे में सुना आज भी एक गुनाह की सजा के बारे में सुनेंगे और वह गुनाह इतना बदतर है और इतना ख़तरनाक है कि जो उस गुनाह का मरतकब होता है माजल्ला अजवजल वो जालिम करार पाता है और ये गुनाह ऐसा है जिसका सबसे पहला करने वाला हज़रत आदम आसम का नाफ़रमान बेटा काबिल था जिसने अपने भाई हज़रत हाबिल रदी अल्लाह अन्हों को क़त्ल किया और दुनिया का सबसे पहला कातिल बना जिसका वाक़ा हम अपने पिछले सिलसिलों में हसद का जब बयान हुआ था तो सुन चुके हैं आज मेरा मौजू कतल का गुना है कतल का अंजाम आइए एक रिवायत सुनते हैं चुनाचे हजरत सैदना फ़की अबू समरकंदी है नफ़ी रहमत तीन किताब क़ुरतलून में नक़ल फरमाते हैं जिसका तर्जमा दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुलमदीना ने नेकियों की जजाएँ और गुनाहों की सज़ाएँ के नाम से किया है इसमें ये रिवायत है ताजदर रसालत शहनशाह नबूत मक़न जूद व सखावत पे करे आज़मत व शराफत महबूब रबुल्ज्ज्ज्ज्ज़त रब महसिन इंसानियत सल्ला तसल् का फ़रमान है अल्लाजल के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह उस जान को कत्ल करना है जिसके कत्ल ना हक को अल्लाह ने हराम फरमा दिया और किसी जान को नाहक हक अजियत देना हलाल नहीं अगर अगरचे चिड़िया ही को हो कोई शख्स उससे खेला यहाँ तक कि वो मर गई और उसे बग़ैर हाजत के ज़बा भी ना किया तो वो क़ियामत के दिन कानों को फाड़ देने वाली कड़क की मिसल आवाज़ से बारगाह इलाही में अर्ज गुजार होगी यानी वो चिड़िया ये मेरे अल्लाह जल इससे पूछ कि इसने मुझे बिला वजे अजियत क्यों दी और मुझे क्यों कत्ल किया अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं तेरा हक़ ज़रूर दिलवाऊँगा और सुन लो कोई जालिम मुझसे ना बच सकेगा मैं हर उस शख्स को आजाब दूंगा, जिसने ना हक किसी जान को तकलीफ़ दी होगी और आज के दिन कोई जालिम मुझसे ना बच सकेगा अगर एक तमाचा या हाथ की मार ही हो या हाथ को मरोड़ा ही हो और मैं सिंग वाली बकरी से बगैर सिंग वाली बकरी को भी बदला दिलाऊंगा और लकड़ी से ज़रूर पूछूंगा कि तूने लकड़ी को खराश क्यों लगाई और पत्थर से ज़रूर पूछूंगा कि तूने पत्थर को क्यों तकलीफ़ दी और वो शख्स के जिस पर मजलूम का हक है उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना होगा जब तक के अपनी नेकियों से उसका हक अदा ना करे और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो मज़लूमों के गुनाहों का बोझ उसके सर पर डाल कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा मदनी चैनल के नाजरीन गौरतलब बात यह है कि एक चिड़िया को बेकसूर मारना मसल देना मौत की घाट उतार देना भी रब तबारक वाली को पसंद नहीं क़ियामत के दिन ऐसे शख्स से भी बदला लिया जाएगा तो वो लोग गौर करें कि जो मादल्ला ज़रा ज़रा सी बातों पर मुसलमानों को मौत की घाट उतार देते हैं या मुसलमान को माल चोरी करते हुए अगर वो कोई मुजामत करे तो उसे किसी आले से मार डालते हैं कतल करते हुए ज़रा नहीं डरते जाने लोगों की ले लिया करते हैं उन्हें को डर जाना चाहिए कि कत्ल ना हक कितना अल्लाह ताला के गज़ब को उभारने वाला है आइए एक और रिवायत सुनिए और कत्ल ना हक की इस मुसीबत से बचने की कोशिश कीजिए शहनशाह खुश खसाल पे करसन व जमाल दाफ रंजो मलाल अलैहि वसल्लम का फ़रमान है सब गुनाहों से बड़ा गुनाह किसी को ना हक कत्ल करना है जिसने छुरी से ख़ुदकुशी की मलाइका जहन्नम की वादियों में उसको हमेशा हमेशा वो छुरी घोपते रहेंगे वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और मेरी शफात से मायूस रहेगा और अगर उसने बुलंद जगह से अपने आप को गिरा कर ख़ुदकुशी की होगी तो फरिश्ते भी हमेशा हमेशा उसे जहन्नम की वादियों में बुलंद चोटी से गिराते रहेंगे और कत्ल करने वालों को आग के कुओं में क़ैद किया जाएगा और अगर रस्सी से लटक कर खुदकुशी की होगी तो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस आग की शाखों में लटका रहेगा और अगर कोई किसी जान को नाहक कत्ल करे तो यह खुली गुमराही ही है फरिश्ते उसको आग की छियों से जबह करते होंगे जब भी वो उसको जबह करेंगे कातिल को तो उसके हलक से खून बहेगा फिर वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा यानी गला उसका सही हो जाएगा फिर जबह किया जाएगा ये सज़ा उस कातिल को हमेशा हमेशा दी जाएगी और कातिलों को आग के कुओं में क़ैद किया जाएगा वो उनमें हमेशा रहेंगे ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से सज़ा होगी ना हक कत्ल करने वालों को मुसलमानों को ना हक मारने वालों को मुसलमानों को दहशत गर्दी का निशाना बनाने वालों को मुसलमानों को माद जल किसी आले से किसी तरह अपनी असबियत की वजह से इज्जत की वजह से या किसी और सबब से कत्ल करने वालों को यहबाब दिया जाएगा अल्लाह तबारक वाली पारा पाँच सूरत की आयत नंबर नाइन्टी थ्री मेरे साथ फरमाता है गौर से सुने वईमिनमत जहन्नमीहा तर्जमा कंजुलिमान और जो कोई मुसलमान को जान बुझ कर कतल करे तो उसका बदला जहन्नम है कि मुद्दत तो उसमें रहे अल्लाह ताला ने उस पर गजब किया और उस पर लानत की और उसके लिए तैयार रखा बड़ा अजाब कतल करने वाले के लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा उस पर अल्लाह ताला का गज़ब है क्योंकि उसने मुसलमान को कत्ल किया रब तबारक वाली इरशाद फरमाता है कि जिसने कोई जान कत्ल की बग़ैर जान के बदले या ज़मीन में फसाद किए तो गया उसने सब लोगों का कत्ल किया और जिसने एक जान को जिला बख्शी उसने गोया सब लोगों को जिला दिया यानी जिंदगी बख्शी कत्ल ना हक को रब तबारक तआला इतना नापसंद फरमाता है सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतरूह यानी गिरा हुआ बच्चा क़यामत के दिन आएगा और उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की मिसल होगी वो फरियाद करेगा मैं मजलूम हूँ फिर वो अपनी माँ को लेकर आएगा और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा मेरे रब तू इससे पूछ के इसने मुझे क्यों कत्ल किया अल्लाह ताला उसकी माँ से फरमाएगा तूने इसको कत्ल क्यों किया क्या तू ये समझती थी कि मैं इसे रिस्क नहीं दूंगा बेशक मैंने किसी भी जान का कत्ल नाहक हराम किया फिर फरिश्तों से फरमाएगा ए फरिश्तो इसको दरोगा जहन्नम हज़रत मालिक सलाम के सिपुरद कर दो ताकि वो इसे जुब्बुल जब्बान में क़ैद कर दें सख्त मज़बूत फरिश्ते उसको पकड़ लेंगे क्योंकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की, की नाफरमानी नहीं करते ये तो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है फरिश्ते उस औरत की गर्दन में तो और जंजीरें डालकर मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे अली सैदा उसको जुब्बुल जबुलजान में फेंक देंगे ये आग से भरा एक गहरा कुआं है उस आग का नाम नारुल आबार है जब जहन्नम सर्द होने पर आता है तो उस कुएं का मुंह खोल दिया जाता है जहन्नम उसकी हरारत से फिर भड़कने लगता है उसमें दरिंदे भेड़िए सांप और बिच्छू हैं तो जहन्नमियों को काटते और डसते हैं और इसमें आजाब के फरिश्ते हैं जिनके हाथों में आग के नेज़े हैं जिससे वो कातिलों को घायल करते रहेंगे उस औरत को इस घड़े में पचास हज़ार साल तक आजाब दिया जाता रहेगा यहाँ तक के अल्लाह ताला उसके बारे में जो चाहे फे दे। के डर जाने का का मकाम है गारत गरी का बाजार गर्म करने वालों को अल्लाह ताला से तोबा करनी चाहिए और कत्ल गारत गरी से बाज आ जाना चाहिए कि जहनम का ये सख्त अजाब किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जरा दुनिया में किसी गहरे कुएं में झांक कर तो देखें कि अगर खाली इस दुनिया के कुएं में ही कैद कर दिया जाए तो क्या हम इस क़ैदो बंद की शहबत को बर्दाश्त कर सकते हैं यकीनन नहीं कर सकते तो वो जहन्नम का वो ख़तरनाक कुआं कि जिसको जहन्नम को भड़काने के लिए खोला जाता है उसकी आग और उसके सांप और उसके बिच्छू और उसके दिगर अज़ाबात फरिश्तों के नेज़े और तकलीफ़ें किस तरह बर्दाश्त होंगी यकीन नहीं बर्दाश्त कर सकते ताइद रसालत शहनशाह नबूबत मखज़न जूदो सखावत सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्ला वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा गुना अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है और किसी जान को ना हक कतल करना है और जैसे मैं मुश्रक़ी शफात नहीं करूँगा सरकार फरमाते इसी तरह कत्ल ना हक करने वाले कात की भी शफात नहीं करूँगा क़्यामत में जब ये ऐलान कर दिया जाएगा कि शफात मुस्तफ़ा से महरूम है कातिल तो किस से शफात मांगेगा कैसे जन्नत में जाएगा हजूर फरमाते हैं मैं कतिल की शफात नहीं करूँगा और जिस तरह मुशरक़ जहन्नम में हमेशा रहेगा इसी तरह कातिल भी जहन्नम में रहेगा और जिस तरह अल्लाह ताला मुशरिकीन पर सख्त गज़ब फरमाता है इसी तरह कातिल पर भी गज़ब शदीद फरमाता है और जिस तरह क़ियामत के दिन मुशरिक पर लानत फरमाएगा उसी तरह कातिल पर भी लानत फरमाएगा और जब कातिल पर अल्लाह तबारक व ताली की लानत पड़ेगी तो वो जहन्नम के मुख्तलिफ़ तबकात पर कत्ल किया जाता रहेगा यहाँ तक कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में धस जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह मुशरिकीन के लिए अज़ीम आज़ाब तैयार कर रखा है इसी तरह कातिल के लिए भी अल्लाह तबारक व ताला ने आजाब अजीम तैयार कर रखा है कत्ल नहा करने वालों को ज़रा गौर से सुनना चाहिए बुखारी शरीफ़ की हदीस है हदीस नंबर पाँच हज़ार नौ सौ सतहत्तर हजरत सैदाना अनस रदी अल्लाह तारत से मरवी है कबीरा गुनाह क्या है सरकार से पूछा गया तो नबी करीब सलाद ने फरमाया अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना वालदेन की नाफरमानी करना और किसी जान को कत्ल करना यानी क़त् नाहक कबीरा गुनाहों में से कत्ल नाहक अल्लाह की नाफ़रमानी है कत्ल नाहक शरीय की खिलाफ वर्जी है कत्ल नाहक जहन्नम में जाने का सबब है कत्ल नाहक अल्लाह ताला को नाराज करने वाला काम है कत्ल नाहक महबूब करीम की शफात से दूर करने वाला है कत्ल नाहक मदल अल्लाह मुश्रकों के साथ जिस तरह जहन्नम में सलूक किया जाएगा कत्ल नाहक करने वालों को भी आदाब में मुबतला किया जाएगा तस्बी दी गई है वहाँ तस्बी दी गई है समझाया जा रहा है कि मान जाओ कतल नाहक से बाहर आ जाओ कतल गारत गरी का बाज़ार गर्म करना बंद कर दो बुखारी शरीफ की हदीस है हरि ने अब्दुल्ला बिन उमर रजियल्ल्ला तनों रिवायत करते हैं फरमाया नाहक हराम खून बहाना हलाक करने वाले उन उमूर में से है जहाँ से निकलने की कोई राह नहीं ऐसी हलाकत खेजी है ना हक किसी जान को कतल करना कि उससे निकलने की कोई राह नहीं शुबाईमान की हदीस नंबर पाँच हज़ार तीन सौ इक्यावन है हजूर अक्रम नूर मुजस्म वसल्लम के ज़माने में एक शख्स का कत्ल हो गया मगर कातिल का मालूम ना हो सका तो रसूल अकरम बरसरे मिंबर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया ये लोगों एक शख्स का कत्ल हो गया और कतल का मालूम नहीं होता जबकि मैं तुम में मौजूद हूँ फिर फरमाया अगर तमाम ज़मीन व आसमान वाले किसी मोमिन को कतल करने में शर्क हों तो अल्लाह ताली उन सब को आदाब में मुबला फरमाएगा एक मुसलमान को कत्ल करने में अगर बहुत सारे लोग फरमाया कि अगर ज़मीन व आसमान वाले सारे मिल जाएं तब भी अल्लाह तब को आजाब देगा तो उस कातिल को ज़रा गौर करना चाहिए अल्लाह के आज़ाब से डर जाना चाहिए कि माद अल्लाह मुसलमानों को कत्ल करता है किसी के बच्चे की जान लेता है किसी के बाप को मौत की घाट उतार देता है सोचे तो सही जिसको तूने कतल किया क्या वो किसी का लाल ना था जिस तरह तेरे घर वाले तेरा इंतज़ार करते हैं तो इससे मोहब्बत करते हैं इस मकतूल से मोहब्बत करने वाले भी थे रहमत आलम अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोमिन के कत्ल में मदद की कत्ल नहीं किया कत्ल में मदद की अगर चाहे आधा कलिमा कहा हो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिखा होगा आ इस उम्मन अल्लाह की रहमत से मायूस कत्ल में मदद करने वाला चाहे एक कौल के ज़रिए तो जो कत्ल करने वाला है वो कितना अल्लाह की रहमत से दूर होगा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम ने फरमाया बारगाह इलाही में मकतूल अपने कातिल को पकड़े हुए हाजिर होगा जबकि उसकी गर्दन की रगों से खून बह रहा होगा यानी मकतूल के वर्ष करेगा ए मेरे परवरदगार इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों कतल किया तो अल्लाह कातिल से दरियाफ़त फरमाएगा वर्ष करेगा मैंने उसे फला की इज्जत के लिए कत्ल किया तो उससे कहा जाएगा कि इज्जत तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया फिर उस पर खुश हुआ तो अल्लाह ताला उसके नफल कबूल फरमाएगा ना फर्ज बड़ी बड़ी इबादतें करता रहे रोज़े रखता रहे जक़ातें देता रहे नमाजें पढ़ता रहे खरातें करता रहे हज करता रहे फलाही काम करता रहे अगर किसी मोमिन का कत्ल किया है तो ना उसके फर्ज कबूल होंगे ना नफल कबूल होंगे नहीं इबादत राय का जाएंगी क्योंकि उसने मुसलमान का कत्ल किया एक और हदीस पाक में रसूल अक्रमला ने फरमाया किसी मुसलमान का कत्ल अल्लाह के नजदीक दुनिया के बर्बाद करने के बराबर है दुनिया के बर्बाद करने के बराबर एक मुसलमान का कत्ल करना एक और हदीस पाक में है इशाद फरमाया मत में सबसे पहले क़त् नाहक का फैसला किया जाएगा सबसे पहले क़त्ल नाहक का फ़ैसला किया जाएगा तो गौर करना चाहिए एक और हदीस पाक में नबी करीम सलाम ने, ने फरमाया किसी को नाहक कत्ल करने वाला कातिल उसके लिए वईद ये है कि उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है हालांकि रिवायतों में ये है कि जन्नत की खुशबू पाँच साल की दूरी से संगी जा सकती है 500 साल की दूरी से सूँगी जाने वाली जन्नत की खुशबू कातिल पर हराम करार दे दी गई तो कत्ल नाहक के गुनाह के बारे में हम सुन रहे हैं आज हमारे माशरे में बरबरीत का आलम है मादल्ला अजवजल सुबह को बंदा घर से निकलता है घर वालों को ये फिक्र होती है कि पता नहीं रात को घर सही सलामत पहुँचे गया नहीं कतल करने वाला ये नहीं सोचता कि मैं किसी के घर के चराग को बुझा रहा हूँ माशरे में कत्लो गारत गरी वहशत व बरबरीत बरपा करने वाले ये लोगों के नज़रों में इज्ज़त वाले नहीं होते बल्कि उनके दिल में ये डर और खौफ रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं और मुझे माद अल्लाह दुनिया में कोई सज़ा मिले मगर वो तोबा की तरफ रागिब नहीं होते कत्ल वारतग गरी से बाहर नहीं आते मुसलमानों के खून को बहाते हैं उन्हें डर जाना चाहिए कि अगर दुनिया में वो किसी के हत्य नहीं भी चरते दुनिया में कोई सज़ा नहीं भी मिलती तो अल्लाह तबारक व तालशात फरमाया कि वह गदीब अल्लाह आल अल्लाह तला का उस पर गज़ब है वाह ना हो और अल्लाह की लानत है वह आद और अल्लाह दर्दनाक अदाब तैयार कर रखा है अल्लाह के, से के, से के अल्ला तो मरकर मर अंदरी कबर में उतरना नहीं है अपनी करने का फल भुगतना नहीं है क्या हिसाब किताब नहीं देना है क्या अल्लाह पर ईमान नहीं है अल्लाह के रसूल के फरमान पर ईमान नहीं है कतल करने वालों को चाहिए कि वो तोबा करें रब तबारक व ताला की तरफ रुजू करें अल्लाह तबारक व अल्ला ताला को राज़ी करें अल्लाह ताला सूरत नसा पारा पाँच आयत नंबर अड़तालीस में फ़रमाता है बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसके साथ कुफर किया जाए और कुफर से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ़ फरमा देता है और अल्लाह तबारक व ताली इरशाद फरमाता है पारा चौबीस सूरत ज़ुमर आयत नंबर तिरपन कुल या इबादी अल्लीन असरफु अलाफीम ला तक न तुम रहमत इन या फ़िर दुनू बजमिया इन्गफ़ूरहम तुम फरमाओ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है तो तोबा कर लीजिए अल्लाह ताला को राज़ी कर लीजिए कत्ले ना हक से बाज़ आ जाइए अहलेक़ के हक अदा कर दीजिए और सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए सच्चे आशी के रसूल बन जाइए वरना याद रखिए कि अगर बग़ैर तोबा किए दुनिया से चले गए मौत की घाट उतर गए तो फिर नहायती पशे मानी होगी कत्ल नाहक का आज़ाब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और यकीनन जहन्म के आजाबात का सामना करने की किसी में ताकत नहीं इन्ना बदशा रबी कल शदीद तेरे रब की पकड़ नायायत सख्त है उस रब की पकड़ से डरिए और आज क़त् नाहक से बाद आ जाइए दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाए जिसने ना जाने कितने बिगड़े हुए को अल्लाह की रहमत से नेकोकार बना दिया इस माहौल से वाबस्ता हो जाइए कि जिसने कितने ही गुनाहगारों को अल्लाह की रहमत से नमाजी बना दिया आप भी आ जाइए हफ्तवार इजमा में पाबंदी के साथ शिरकत कीजिए इन शवजल बहुत सारे गुनाहों से बचने का जहन मिलेगा मदनी इन आमाम को अपना लीजिए शेख तरीकत अमीर सुन्नत की सहबत बाजरिया मदनी मुजा इख्तियार कीजिए कि इनकी नज़र फ़ैज़ असर से बड़े बड़े कातिल चोर डाकू और माशरे के नासुर तोबा करके सच्चे आशिके रसूल बन गए दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें गुनाहों से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है आइए इस दामन करम से वाबस्ता होकर कत्ल ना हक और मुसलमानों के जुल्म और दीगर गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए अल्लाह ताला हमें हर तरह के गुनाह से बचकर अपनी रहमत में दाखिल फरमाए आमीन मिजाह नबी अमीन वसल्लम yeah